सरकारी प्रतिबंध के बाद भी अवैध बालू खनन का यह दृश्य कोइलवर में सोन नद का है, जहां प्रतिदिन 2000 से ज्यादा नावें निर्माणाधीन सिक्स लेन में नए पुल के इर्द गिर्द अवैध ढंग से बालू उत्खनन करते हैं। पुराने रेल शहर रोड पुल के डाउन स्ट्रीम में 1000 फीट और अप स्ट्रीम में 2000 फीट के क्षेत्र में रेलवे ने बालू उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया है। बालू तस्कर खुलेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए नावों से सारण, पटना व भोजपुर जिले से गंगा नदी के रास्ते सोन नदी में कोइलर पहुंचते हैं, जहां दिन में भी अवैध बालू खनन का दृश्य हावड़ा नई दिल्ली मेन रेल लाइन, आरा पटना नेशनल हाईवे और छपरा रोड से दिखता है। कोइलर सोन नद के मुहाने छपरा डोरीगंज के रास्ते सैकड़ों नाव, आरा पटना नौ निर्माणाधीन पुल के समीप सैकड़ों नाव अवैध खनन कर रहे हैं और जिला प्रशासन बेखबर है। जब इस तरह की खबर प्रकाश में आती है तो खाना पूर्ति के नाम पर 2-4 नाव को जब्त किया जाता है और फिर वही क्रिया पुनः शुरू हो जाती है। जबकि एनजीटी के द्वारा अभी सोन नद में बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। नमस्कार, मैं अभी उपस्थित हूँ कोइलवर के सोन नदी के समीप और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने सारे अवैध नावें हैं जो कोइलवर छपरा के रास्ते कोइलवर सोन नदी में प्रवेश करते हैं और यहाँ से जो बालू है निकासी करके चले जाते हैं। देखते हैं कि अभी हम जो है नव भोजपुर और पटना को जोड़ने वाला जो नवनिर्मित पुल है उसी के हम नीचे खड़े हुए हैं और उसी के समीप जो है नावे की अवैध खनन जो जारी है, इससे भविष्य में पुल के नींव को खतरा हो सकता है। कि जिला प्रशासन द्वारा बालू खनन के लिए रोक लगा दी गई है, इससे न तो केवल राजस्व की हानि हो रही है बल्कि पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। क्या अपना सहयोगी